करने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और ये लाल बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा के कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा के कर दीजिए ऑन। इससे होगा क्या, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप में से बहुत से दोस्त इस चीज़ के बारे में जानते होंगे और बहुत से नहीं जानते होंगे। तो जो जानते हैं उनको भाइयों को हम मेरा निवेदन है कि वो इस वीडियो को अच्छे से देखे और जो अभी तक आप नहीं जानते वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। और आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके जो फर्स्ट वाला लिंक दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों आपको बता दूँ जो हमारे टेलीग्राम वाला लिंक दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए। इससे हमारे वीडियो का जो भी पहले नोटिफिकेशन यूट्यूब पे मिलेगा उससे पहले आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जो हमारे को फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ऐप का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों हमारा ऐप डाउनलोड होके ओपन कर लिया है मैंने, ओपन पे क्लिक करना है। अब तो दोस्तों मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, उसके बाद हमारे को हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं हिंदी पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू विथ हिंदी पे ओके कर देता हूँ। इसके बाद हमारे को पूछेगा ट्रूकॉलर से वेरीफाई करने के लिए या OTP से नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो मेरा पहले से बना हुआ भी है इसलिए मैं ट्रूकॉलर से वेरीफाई कर लेता हूँ। और आप जैसे OTP से नंबर से वेरीफाई करोगे उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस पर क्लिक करना है, अलाउ पे ओके करना है, उसके बाद आपको नंबर डालना है यहाँ पे, उसके बाद OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको पूछेगा रेफर कोड, तो रेफर कोड जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो डाल देना है, और नहीं मैं रेफर कोड यहाँ पे भी दे दूंगा। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि लिंक से डायरेक्ट भी हो जाता है, कभी कभी रेफर कोड भी मांग लेता है। तो इसको आपको वो रेफर कोड डालने के बाद आपको 18 रुपये तुरंत मिल जाएंगे। कॉलर से वेरीफाई कर लेता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू पे ओके करता हूँ। और ये इस प्रकार हमारी होम स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों मेरा पहले से बना हुआ था और अभी मेरे पास नया नंबर नहीं था, क्योंकि एक डिवाइस में एक ही बार बनता है। और अगर अपन MI का फ़ोन हो तो क्लोन बना के उसमें 2 बार बना सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। और सबसे पहले इसमें आपके पास ऊपर मेरे जो टाइम चल रहा है यहाँ पे आपको एक स्पिन करने का मौका मिलेगा। उसके बाद ये होम है, यहाँ से हम गेम खेल सकते हैं। ये जो रेफर है इस पर क्लिक करके हम रेफर कर सकते हैं, एक रेफर पे हमारे को 50 रुपये तक मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूँ इंस्टॉल करने पे आपको 8 रुपये मिलेगा। आपका दोस्त फर्स्ट ऐड कैश यानी पहले बार पेमेंट इसमें ऐड करता है तो आपको 20 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आपका दोस्त अगर इसमें 10 बार गेम खेलता है तो 2 रुपये ऐसे मिलेंगे, और अगर आपका दोस्त 5 रेफर करता है तो 10 रुपये ऐसे मिल जाएंगे। उसके बाद हम वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पैसे भी देख सकते हैं, लेकिन अभी क्या है मेरे इसमें पैसे नहीं है, मैंने गेम खेल लिए। और जैसे जैसे आप लेवल खेलते जाओगे वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। अब मैं क्लिक करता हूँ प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मैंने 189 रुपये इससे कमा के ATM में भेज लिए हैं और मैं 8वीं लेवल तक जा चुका हूँ। ये गेम मैंने खेले थे वो दिखा देता है हमारे को। वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हो ऊपर, उसमें आपको सारा दिखाई दे रहा है कितने रुपये कमाए मैंने। तो दोस्तों आपको जैसा भी गेम आपको पसंद आए खेलने वाला उसमें आप खेल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गेम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप कोई सा भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों अब जो ऊपर टाइम की जगह दिखाई दे रहा था स्पिन, मैं इस पर ओके करता हूँ और स्पिन करता हूँ। तो अब ये आपको दिख रहा है, अभी स्पिन करे इस पर ओके करना और ये इसमें कुछ भी आ सकता है। तो जैसे अभी मेरे ऐड कैश का है मतलब कैशबैक मिल जाएगा मेरे को। तो अब दोस्तों मैं ऐड मनी पे ओके करता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप पैसे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर।
और इसमें आप पेमेंट कर सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक से, गूगल पे से, फ़ोन पे से, इनसे। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे पासबुक में, और पासबुक में मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कितना पेमेंट रिसीव हुआ है और कितना वो मैंने इससे भेज दिया है। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इससे मैंने शायद एक बार या दो बार पेमेंट किया है, क्योंकि पेटीएम अकाउंट दूसरा है, इसको मैं यूज़ में नहीं लेता। तो दोस्तों अभी जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कैशबैक, तो मैं यहाँ पे रिसीव वाले पे ओके कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कैशबैक आया था, तो रिसीव पे ओके करता हूँ। अब ये मेरे पहले गेम जॉब का कैशबैक आया हुआ है, वो मैं ऊपर लेता हूँ। ये मेरे 100 रुपये पेटीएम की तरफ से अलग से कैशबैक आया हुआ है, और मैं थोड़ा और ऊपर लेता हूँ। इसके बाद ये जो आपको 14.25 रुपये दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे को विंजो गेम की तरफ से मिले हैं। और मैं दूसरा देखता हूँ, ये मेरे पूरे कैशबैक हैं, लेकिन ये दूसरे ऐप से आए हुए हैं, गेम जॉब से। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। और गेम जॉब का वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, नहीं मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो पूरा। और दोस्तों मेरे को अभी तक इसमें और दूसरा पेमेंट नहीं मिला, तो मैं आपको फर्स्ट वाला पेमेंट दिखाता हूँ जो मेरे 14.25 रुपये का आया हुआ था, क्योंकि इसमें 5% GST, मतलब पता नहीं कौन सा चार्ज कटता है, और जो इसका ऐप का चार्ज कटता है 5%, तो मैंने 15 ट्रांसफ़र किए थे, इसलिए ये रहा 14.25। तो ये देखो दोस्तों, ये मेरे को पेमेंट रिसीव हुआ था, क्योंकि ये मेरा मेन वॉलेट नहीं था, इसलिए मैंने मेरे मेन में ट्रांसफ़र कर लिए। तो दोस्तों पेमेंट की तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और आप गेम जॉब पे भी जाके चेक कर सकते हो एक बार। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।